नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGR एजुकेशन में। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये टेंशन और एंग्जाइटी का वक्त होता है जब भी एग्ज़ाम आता है। तो कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आपको टेंशन और एंग्जाइटी की ओर ले जाती है एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में खासकर, और ये आपको रोकती है आपकी ग्रोथ को भी। किस तरीके से आप इससे थोड़ा सा निजात पा सकते हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों से ध्यान हटा के प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बिना किसी नर्वसनेस के अपीयर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बहुत सारी क्लासेज यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च बार में नवीन साग टाइप करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी लेसन्स अवेलेबल हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी जो भी लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरीज़ बनी हुई है, उन्हें देख के भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाते हैं। देखिए गाइस, मैं कुछ बातों पर यहाँ आपका ध्यान भी लाना चाहूँगा और कुछ बातों पर बात करना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ जो मैं हमेशा से ही मानता हूँ, दैट प्लीज़ डोंट पैनिक। यहाँ पर आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आप अपीयर हो रहे हैं। यहाँ आपको चांसेस मिलते हैं, लेकिन चांसेस का फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हर एक फेज़ के दौरान अपनी बढ़ाएं और स्टडीज़ में रेगुलर रहें। तो देखिए, नेट के अटेम्प्ट तो बहुत हैं, लेकिन आप नेट के अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक कितना ग्रो करते हैं बहुत मायने रखता है। द अमाउंट जिसमें आप जितना ग्रो कर रहे हैं एक नेट से दूसरे नेट के दौरान, अगर आप कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेयर रिविजन्स पे जा रहे हैं, मेयर आप स्टडीज़ में रट रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, तो ये आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमेशा अगर आप एक अप्रोच से चलेंगे, द ग्रेट लियोनेल मेसी ऑलवेज सेज कि आई टेक वन डे एट अ टाइम इन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। एक चीज़ एक बार में अगर आप करते हैं तो आपको जो भी फील्ड में आप हैं उसमें मास्टरी करने में आपको मदद मिलती है। हमेशा एक चीज़ लें, शेड्यूल बना के पढ़ें और जितना भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसे एक स्ट्रक्चर दें, उसे एक नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे सभी को एक नर्वसनेस एंग्जाइटी होती है। अब आपको मैं नहीं कहूँगा कि आपको पूरी तरीके से नर्वसनेस या एंग्जाइटी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो होती ही उन लोगों को है जो पढ़ते हैं। अगर आप बिना पढ़े किसी ने कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा या आपकी क्लास में जो बच्चे रहे होंगे अगर वो पढ़ते नहीं थे और एग्ज़ाम में अपने बिना प्रिपरेशन के आते, तो आपने एक चीज़ हमेशा नोट की होगी कि उनको कोई टेंशन या नर्वसनेस नहीं होती थी, और पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा टेंशन या नर्वसनेस होती है। तो सारी की सारी ये जो स्टोरी है कि आपको थोड़ा सा नर्वसनेस या थोड़ी सी टेंशन जो होती है वो तो देखिए पढ़ने वाले इंसान को होगी, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी होने देना अच्छा नहीं है। उस पर पार ना पाना बहुत मुश्किल है और बहुत गलत चीज़ है कि आप उस पर पार ही नहीं पा पा रहे, लेकिन आपको उसे पार करना होगा। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नर्वसनेस पेपर के 5 मिनट तक रहती है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाती है, तो वो तो नेचुरल चीज़ है, वहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नर्वसनेस और टेंशन आपके ऊपर अगर हावी हो जाए तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकल पाता। तो सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्लीप पूरी करिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। और ऑल्दो आई डिडंट डू द स्टफ, मैं नींद नहीं पूरी करता, लेकिन ये मेरे साथ वक्त की दिक्कत है। लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कि लीव एवरी थॉट बिहाइंड व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन, डोंट टेक एनी प्रेशर। हमेशा याद रखो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नेट विल कम एंड गो। बट जो आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है अपने बारे में कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं एक नेट से दूसरे नेट के दौरान, सबसे ज़्यादा यही मायने रखेगा। तो कभी भी पेपर में जाओ तो 3 चीज़ें हमेशा सोच के जानी है कि थोड़ी नर्वसनेस या थोड़ा अगर आप पैनिक भी कर रहे हैं तो उसे नेचुरल समझिए, सबके साथ होता है, बस वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि आपको अपना बेस्ट करके आना है, रिजल्ट्स जो भी आए आप बस उससे इम्प्रूव कर लेंगे उस अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक।
अपनी जर्नी में ये ज़रूरी है। तीसरी और फाइनल बात, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी ज़रूरी है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट्स को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, बिकॉज इट विल मेक यू एग्ज़ाम रेडी। नोट्स आपको नॉलेज देते हैं लेकिन ये आपको एग्ज़ाम रेडी बनाते हैं। और लास्ट बात कहूँगा कि पेपर नेट का इंटरप्रिटेशंस के बेस पे आता है, तो मैटर ये बहुत करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल्स हैं या आप जिस वक्त पेपर कर रहे हैं उस वक्त आपका दिमाग कितना चलता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहा होगा उस वक्त, तो जो सवाल आप सोच भी नहीं सकते वो सवाल आप वहाँ निकाल के आएंगे। When I cleared my NET in July 2016, there was some questions which I didn't even read about. लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त इतना अच्छा चल रहा था कि मैंने वो 10 से 12 questions जो additional पास करने में जिन्होंने मुझे मदद की, वो मैंने उसी दिमाग चलने के पीरियड के दौरान सॉल्व कर लिए। कि सिर्फ जो मेरी एनालिटिक एबिलिटी और इंटरप्रेटिव एबिलिटी थी वो इस वक्त इतना हाई काम कर रही थी कि जो क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता अगर मैं नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होता, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लेकिन एक चीज़ और ज़रूर कीजिएगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं। अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सच में आपकी बहुत मदद करेगा, आपको सही अप्रोच रखना सिखाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक छोड़ जाइएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको इसी तरीके से मोटिवेशन देता रहूँगा, लेसन्स देता रहूँगा, फ्री एजुकेशन देता रहूँगा, बिकॉज आई विल डू माई एवरी पॉसिबल बिट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।